वेलकम टू फ्लाई फाई हिस्ट्री दोस्तों। तो साथियों आज जो लोग पढ़ने वाले रीजनिंग दोस्तों पढ़ेंगे मैट्रिक्स। क्या पढ़ेंगे? मैट्रिक्स पढ़ेंगे वो दोस्तों जो है ये आपका हर सेक्शन में पूछे जाते हैं। ठीक तो फ्रेंड देखो क्वेश्चन क्या है, आप देखो ध्यान दीजिए दोस्तों। आपका जो एक सिंपल ट्रिक है, क्वेश्चन बहुत बड़ा है लेकिन आपको जो एकदम शॉर्ट बताया जाएगा, आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। आप ध्यान दीजिएगा समझने में कैसे समझाया जाता है। ठीक फ्रेंड देखो बोला क्या है, RAID शब्द के लिए समूह की पहचान करनी है। ठीक फ्रेंड तो आप देखो साथियों हम इस क्वेश्चन को इस प्रकार से अर्थात विकल्प से ही चेक कर सकते हैं, इसे सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक इसे जो आप विकल्प से ही चेक कर सकते हैं कि विकल्प सही है कि गलत है। तो फ्रेंड हम विकल्प ए उठाते हैं। कौन सा विकल्प ए उठाते हैं देखो कैसे करते हैं। ये आपका विकल्प ए जो है देखो ये इसमें आर है, ठीक इसमें क्या आर है और देखो फिर इसमें क्या है जीरो जीरो है। ठीक अब आपको देखना है जीरो के सामने जीरो के नीचे क्या आर है क्या। तो साथियों देखो अब जो है जीरो के सामने ये रहा और फिर जीरो के नीचे ये रहा, देखो आपका आर उपस्थित है था, देखो आर उपस्थित है। अब आप चेक करेंगे ये वाला क्या 96 आपका है, इसे चेक करेंगे देखो क्या आपका ए है क्या, कहाँ जो आपका ए है क्या। ठीक तो फ्रेंड अब देखेंगे देखो आपका 9 के सामने और 6 के नीचे, 9 के सामने देखो आपका 9 ये रहा और फिर 6 के सामने देखो ए रहा। ठीक तो आपका देखो ए मिल गया। ठीक आप फिर क्या करें, अब इसे लीजिए 03 का। ठीक अब 03 लीजिए तो साथियों आपको चेक करना है देखो ये आई है ना, तो जीरो के सामने और 3 के नीचे देखना आपको, देखो ये आपका जीरो के सामने ये आपका 3 के नीचे देखो आई उपस्थित है अर्थात दोस्तों ये भी जो है सही है। अब आप लेंगे 40 को लेंगे अर्थात 4 जो लेंगे तो अब देखेंगे आपको डी प्राप्त करना है। देखो 4 के सामने और 0 के नीचे देखना क्या डी है क्या। तो फ्रेंड देखेंगे 4 के सामने ये रहा और 0 के नीचे ये रहा है आपका आई रहा, लेकिन दोस्तों ये क्या है आपका आई है लेकिन देखो इसमें दिया है डी, तो आपका जो ये हो जाएगा ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो आप जो है अब बी को चेक कीजिए। कौन सा चेक करेंगे, अब बी को चेक कीजिए। दो साथियों मैं बी चेक कर रहा हूँ, बोर्ड क्लीन कर देता हूँ। तो फ्रेंड देखो 2 के सामने और 2 के नीचे देखना है क्या आपका आर आना चाहिए। तो हमने देखा 2 के सामने ये रहा और 2 के नीचे ये रहा, ठीक देखो आर आ रहा आपका। ठीक तो ये सही है। अब चेक करेंगे 5 अर्थात 5 के सामने 5 के नीचे। ठीक तो फ्रेंड अब देखेंगे 5 के सामने ये और 5 के नीचे देखो आपका ये ए है दूसरा लेटर। ठीक तो आपका जो है ये भी राइट है। अब चेक करेंगे 34 को, 34 अर्थात 3 के सामने 4 के नीचे देखो कि आपका आई है क्या। तो देखेंगे 3 के सामने और 4 के नीचे देखो यहाँ आपका आई उपस्थित था आपका ये भी राइट है। अब देखेंगे ये देखो आपका 78 है, इसे देखेंगे 7 के सामने 8 के नीचे क्या होगा। ठीक तो साथियों अब देखेंगे यहाँ 7 के सामने और 8 के नीचे देखो ये आपका क्या है डी है, देखो ये डी है ना। तो आपका जो विकल्प ये आपका बी होगा ये राइट होगा। कौन सा विकल्प जो डी है वो बी है आपका राइट होगा। क्योंकि दोस्तों जो है सभी जो है देखो उसमें 22 55 34 78 जो आपका RAID है सब जो है एक सीक्वेंस में मिल गए हैं, इसके लिए आपका ऑप्शन बी सही होगा। बाकी आपका ऑप्शन ए रॉन्ग है, सी भी रॉन्ग है, आपका डी भी रॉन्ग है। ठीक तो जो आप इसी प्रकार से विकल्प से ही चेक कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चनों को। ठीक तो फ्रेंड अगर आपको क्वेश्चन को नहीं समझ में आया तो आप एक बार फिर से क्वेश्चन को सही से वीडियो को आराम आराम से देखना। ठीक तो जो है क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ लेंगे। ठीक दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत दोस्तों। और साथियों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों चैनल नए आए हुए हों तो चैनल को सब्सक्राइब और उसके लिए। ठीक दोस्तों धन्यवाद।